दर्पण दो प्रकार के हैं, एक है अवतल दर्पण, एक है दर्पण में दो प्रकार, कौन कौन? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण ई दर्पण चला होता है, ये एक गोला है, इसी को दो भाग में बांट देते हैं, एगो इधर आ जाएगा एगो इधर जाए। तो ये अवतल दर्पण ऐसा टाइप का होगा जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई होगी, दर्पण के पीछे में पेंट किया हुआ होगा तभी वो दर्पण है, पेंट नहीं है तब वो क्या है? या तो लेंस है या तो कांच है। कांच होगा तो उसकी क्षमता जीरो होगी, लेंस होगा तो उसमें कुछ ना कुछ क्षमता होगा। तो ये अवतल दर्पण है और ये क्या है मेरी जान? कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो यहां पर जो ये बिंदु है इसको हम पोल कहते हैं, जिससे होकर मुख्य अक्ष गुजरता है, क्या कहते हैं इसको? पोल या ध्रुव कहते हैं। और इसका कहीं ना कहीं चला अगर वक्र है तो सेंटर होगा ना, कहीं ना कहीं अगर इसका वक्र है तो क्या होगा? सेंटर होगा। और जो किरणें जाती है दर्पण मुख्य अक्ष के, ये कौन अक्ष है चला? मुख्य अक्ष। कौन अक्ष है? मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस। बोलो हाँ। अगर दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जो जाएगा वो कहाँ मिलेगा? फोकस पर। और जो फोकस से निकलेगा वो दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। दोनों बातें, जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगा वो फोकस पर मिलेगा, या जो फोकस से निकलेगा वो दर्पण के मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? समानांतर। यहां से अगर ये इसे जाएगा तो ये इसे निकल जाएगा और ये फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होगा, और ये फिर यहां से जाएगा तो ये इसे हो जाएगा, ये फिर फोकस पर मिलता हुआ क्या हो जाएगा? प्रतीत होगा। बोलो हाँ। अगर कोई मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है तो वो कहां पर मिलेगा? फोकस पर। और अगर कोई मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है तो ये फोकस पर मिलता हुआ क्या होगा? प्रतीत होगा। मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो फोकस पर मिलेगा, अब फोकस से निकलेगा तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। और यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी को R कहते हैं, और यहां से यहां तक की दूरी को F कहते हैं, फोकस दूरी। और ये यहां से यहां तक की दूरी को हो गया वक्रता त्रिज्या। अब रूल होता है F बराबर होता है R बाय 2, या यूं कहें R बराबर होता है 2F। F बराबर क्या होता है? R बाय 2। R बराबर क्या होता है? 2F। देख लो, ये F जो है वो R बाय 2, R का आधा है, बोलन रे, और R बराबर क्या हो जाएगा? 2F। बोलवे नहीं करेगा, इसका जो आधा होगा वही ना फोकस होगा। अब देखो, कहेगा दर्पण की पर मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? पोल। ये दर्पण पर मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? पोल। इस जिसकी बाहरी सतह धसी हुई है वो अवतल, जिसका बाहरी सतह उभरा हुआ है वो क्या? उत्तल। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? पोल। और दर्पण के मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पोल, फोकस और सेंटर तीनों से गुजरता है। बोलवे नहीं करेगा, जहां पर सभी किरणें आकर मिल जाती है उसे क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? फोकस। चिन्ह परिपाटी में हमेशा ध्यान रखिएगा, इधर का साइन पॉजिटिव और इधर का साइन निगेटिव। अगर इसको ओरिजिन मानते हैं तो पोल को ओरिजिन मानते हैं तो इधर का सब साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इधर का सब साइन क्या हो जाएगा? माइनस। फिर अगर इसको पोल मानते हैं, इसको ओरिजिन मानते हैं तो इधर का सब साइन पॉजिटिव, इधर का सब साइन निगेटिव। तो बताओ इसकी फोकस दूरी निगेटिव होगी कि पॉजिटिव? इसकी फोकस दूरी क्या होगी? पॉजिटिव। सही है। अब देखो, ये चूंकि सभी किरणों को एक जगह केंद्रित कर देता है, सभी किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, ये सभी किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है। तो चूंकि सभी किरणों को एक जगह केंद्रित कर देता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ? अभिसारी दर्पण। कन्वर्जिंग मिरर। आ
ये सभी किरणों को फैला देता है। इसको कहते हैं अपसारी दर्पण, डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं चला? डाइवर्जिंग मिरर, बोलो। हाँ, इसको कहते हैं चला अभिसारी दर्पण, इसको क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण, बोलो। हाँ, फिर से समझिएगा। अवतल दर्पण सभी किरणों को एक जगह केंद्रित करता है इसलिए अभिसारी, और उत्तल दर्पण सभी किरणों को फैला देता है इसलिए क्या? अपसारी, बोलो। हाँ, तो कहते हैं चला गोलिया दर्पण दो प्रकार का, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। सही कि गलत? ये अवतल दर्पण है, इसको नतोदार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नतोदार मतलब धसा हुआ, उन्नतोदार मतलब उभरा हुआ, बोलो। हाँ, अब चला ए बराबर आर बाय टू में कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखो, अलग अलग बिंदुओं पर वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब अलग अलग बनता है। तो पहले हम लोग अवतल दर्पण में आते हैं। कौन दर्पण में आते हैं? बोलो। हाँ, चला अगर हम बात करें इस दर्पण की, अगर तुम अनंत पर रखोगे प्रतिबिंब को, वस्तु को, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। डेली एगो क्वेश्चन तुरा मिलेगा हर सेट में। तीन चार को पोजिशन अनंत, सी एफ पी। अनंत तो अनंत है, आ सी हो गया सेंटर, एफ हो गया फोकस, पी हो गया पोल। टोटल जो पोजीशन है वो छह गो है, एक दो तीन चार पांच, है ना? अनंत पर जो रहेगा उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस। एक स्टेप इसको इधर बढ़ाओ, प्रतिबिंब इधर बढ़ेगा। अनंत और सी के बीच में वस्तु रहेगा, प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में। सी पर वस्तु रहेगा, सी पर बनेगा। सी और एफ के बीच में रहेगा, सी और अनंत। देखो इधर ही खिसकेगा, इधर खिसकेगा। एफ पर रहेगा, कहां बनेगा? बहुत बढ़िया बात। अब देखो चला, अगर अनंत पर रहेगा वस्तु तो कहां बनेगा प्रतिबिंब? फोकस पर। अनंत और सी के बीच रहेगा वस्तु तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी और एफ के बीच। अगर सेंटर पर रहेगा तो कहां बनेगा? सेंटर पर। सी और एफ के बीच रहेगा तो सी और अनंत के बीच बनेगा। अब फोकस पर रहेगा तो कहां बनेगा? अनंत। अब फोकस और पी के बीच अगर रहेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। अब चला गौर से देखना कि अगर इस एरिया में वस्तु है, ये सेंटर को बीच मान लो, सेंटर पर रहेगा सेंटर पर बनेगा। अगर इस एरिया में वस्तु है एक दो, तो देखो इस एरिया में प्रतिबिंब बनेगा, देख रहा है चला। और अगर इस एरिया में वस्तु है सेंटर के अंदर, तो सेंटर के बाहर प्रतिबिंब बनेगा। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं। अगर सेंटर के बाहर प्रतिबिंब है तो सेंटर के अंदर बनेगा, और सेंटर के अंदर अगर वस्तु है तो सेंटर के बाहर बनेगा। अगर फोकस पर बनेगा तो छोटा बनेगा, अनंत के आसपास बनेगा तो बड़ा बनेगा। फोकस के आसपास बनेगा तो कैसा बनेगा? छोटा। अनंत के आसपास बनेगा तो कैसा बनेगा? बड़ा। तो एक चीज ध्यान रखना, अनंत ऐसे भी बड़ा है तो बड़ा है तो वहां कैसा बनेगा? बड़ा। अब फोकस ऐसे भी छोटा है तो वहां कैसा बनेगा? छोटा। अब सेंटर पर रहेगा, सेंटर पर बनेगा कैसा? बराबर। तो ये जो प्रतिबिंब है मेरी जाने मोहब्बत अवतल दर्पण में, यहां से यहां तक छोटा कैसा? ई बन जाएगा
बराबर ई बन जाएगा बड़ा ई कैसा वास्तविक उल्टा ई कैसा काल्पनिक सीधा और वस्तु से क्या बड़ा बोलो हाँ। और अगर ई तो अवतल दर्पण में है, उत्तल दर्पण की बात करें चला, उत्तल दर्पण में वस्तु के किसी भी स्थान के लिए जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है काल्पनिक, काल्पनिक सीधा और वस्तु से कैसा छोटा, किसी भी स्थान के लिए, वस्तु के किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा। और पी और एफ के बीच बनता है, किसके किसके बीच बनता है, पी और एफ के बीच बनता है। फिर से समझने की चेष्टा करना, ये देखो ये फिगर थोड़ा सा गड़बड़ है, ये हम किताब में वैसे ठीक करवा दिए, नवका में देखो ठीक हुआ है, नवका में ठीक है चला। ये सब वस्तु का आकार नहीं ना बदल जाएगा, अरे चला ये वस्तु यहां रखे यहां रखे यहां रखे, वस्तु का आकार बदलेगा क्या, किसका आकार बदलेगा, प्रतिबिंब का, किसका आकार बदलेगा, किसका आकार बदलेगा, प्रतिबिंब का आकार बदलेगा। तो अनंत पर वस्तु रखेंगे कहां प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर, कहां बनेगा रे, आप फोकस पर रखेंगे तब कहां बनेगा, सेंटर पर रखेंगे सेंटर पर, तो देख लो ये छोटा ये बराबर ये बड़ा, वास्तविक और उल्टा, ये काल्पनिक आभासी, काल्पनिक और आभासी एक के है, वस्तु और बिंब एक के है, बोलो रे, वस्तु और बिंब एक ही है, काल्पनिक और आभासी एक ही है, बोलो हाँ। अब है उत्तल दर्पण, इसमें वस्तु के किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक सीधा और कैसा बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच, किसके किसके बीच बनता है चला, पी और एफ के बीच बनता है, किसके किसके बीच बनता है, पी और एफ के बीच बनता है, बोलो हाँ। उत्तल दर्पण इसमें वस्तु के किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है किसके किसके बीच, पी और एफ के बीच, बोलो ना हाँ। अब देखो काल्पनिक के लिए दर्पण में, किसके लिए, काल्पनिक के लिए, अवतल दर्पण में कैसा काल्पनिक बनता है, बड़ा, अवतल दर्पण में चला इसे बनता था बड़ा ना बनता था, अब उत्तल में कैसा बनता है छोटा, क्लियर है। अब एक होता है दर्पण सूत्र, एक होता है लेंस सूत्र। अब देखो चला यहां से यहां तक की जो वस्तु दूरी है पोल से नापी जाती है, इसको यू से डिनोट करते हैं, वस्तु दूरी को किससे डिनोट करते हैं, यू से। आई जो प्रतिबिंब दूरी है, ये प्रतिबिंब दूरी को किससे, भी से, प्रतिबिंब दूरी को किससे, भी से। आई जो फोकस दूरी है इसको एफ से, फोकस दूरी को किससे, एफ से, बोलो हाँ। प्रतिबिंब इधर भी बन रहा है और इधर भी ना बन रहा है, तो इधर वाला प्रतिबिंब को भी से डिनोट करेंगे। अच्छा बताओ पहले वस्तु की पहले प्रतिबिंब, तब ना प्रतिबिंब, तो पहले यू की पहले भी, यू की भी, तो यू तब ना भी, वो गौर फरमाइएगा। तो यू हो गया वस्तु दूरी, भी हो गया प्रतिबिंब दूरी, एफ हो गया फोकस दूरी, तो दर्पण सूत्र होता है 1 बाय भी प्लस 1 बाय यू बराबर 1 बाय एफ। यही अगर प्रतिबिंब क्या कहते हैं उसको लेंस सूत्र होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, 1 बाय भी प्लस 1 बाय यू बराबर 1 बाय एफ। यहां पर अगर यू 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 क्या है, वस्तु दूरी, भी क्या है फोकस दूरी, एफ क्या है, अच्छा सॉरी यू वस्तु दूरी, भी प्रतिबिंब दूरी और एफ क्या है फोकस दूरी। एक बात बताओ अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल लेंस हो, उत्तल लेंस हो, U का मान हमेशा निगेटिव होगा। लिख लो एक लाइन, एक लाइन लिखना, किसी भी दर्पण, किसी भी दर्पण या लेंस में किसी भी दर्पण या लेंस में
वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है चला? वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। किसी भी दर्पण हो, लेंस हो, वस्तु दूरी यानी यू का मान हमेशा क्या रहेगा? ऋणात्मक। यानी यू हमेशा किधर रहता है? वस्तु हमेशा किधर रहता है? लेफ्ट में। किधर रहता है? लेफ्ट में। अब बच गए आप फोकस दूरी, तो फोकस दूरी बताओ इसका फोकस निगेटिव की पॉजिटिव? इधर ना फोकस, इसको ओरिजिन मानेंगे। आपको पता है एक्स एक्सिस पर इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होता है। इधर है फोकस, नेगेटिव की पॉजिटिव? इसका बताओ, वस्तु दूरी अगर वास्तविक वाला हो, ये वास्तविक वाला हो तो नेगेटिव की पॉजिटिव? काल्पनिक वाला होगा क्योंकि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो इधर वास्तविक है प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी वास्तविक है तो नेगेटिव ना, इधर काल्पनिक होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। अब बताओ काल्पनिक प्रतिबिंब को हम देख नहीं सकते, काल्पनिक प्रतिबिंब को हम देख नहीं सकते। अब बताओ वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा? निगेटिव। अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या है? निगेटिव। अब भी अगर वास्तविक दूरी होगा तो क्या होगा? निगेटिव। और काल्पनिक होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, अभी तो अवतल दर्पण था, उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें मेरी जान, तो उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में ये 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 उत्तल दर्पण, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये यहाँ फोकस मिलेगा। बताओ इसका अगर ये पोल को हम ओरिजिन मानते हैं, अगर हम इस पोल को ओरिजिन मानते हैं और ये फोकस है, तो बताओ इधर वाला पार्ट निगेटिव की पॉजिटिव? इसका फोकस पॉजिटिव हो जाएगा। आप प्रतिबिंब हम बोले पी और एफ के बीच बनता है, तो प्रतिबिंब दूरी भी निगेटिव हो जाएगा। एक ही को ना कंडीशन है, अगर आप फोकस दूरी जो होता है निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? एक्स एक्सिस में इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो इससे इधर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, बोलो हाँ। अब वस्तु दूरी हम बोले हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। आप फोकस इधर है तो क्या होगा? पॉजिटिव। प्रतिबिंब भी इधर बन रहा है पी और एफ के बीच, तो क्या होगा? पॉजिटिव। यू का मान हमेशा क्या रहेगा? निगेटिव, बोलो हाँ। फिर से हम अवतल दर्पण की ओर चलते हैं, तो अवतल दर्पण में अगर आप बात कीजिएगा, यू तो हमेशा निगेटिव हो जाएगा, फोकस दूरी इस साइड है तो क्या होगा? निगेटिव। आप प्रतिबिंब दूरी वास्तविक वाला इधर है तो निगेटिव, काल्पनिक वाला इधर है तो पॉजिटिव, बोलो हाँ। तो कहते हैं दर्पण सूत्र, यू वस्तु दूरी है, भी प्रतिबिंब दूरी है, फोकस दूरी, 1/v + 1/u = 1/f। अब चिन्ह परिपाटी देख लो, f बराबर क्या होता है चला? r/2। f बराबर क्या होता है? r/2। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में बताओ ये u का मान निगेटिव हमेशा होगा, वस्तु दूरी हमेशा किसी भी दर्पण किसी भी लेंस में क्या होगा? निगेटिव। अब बताओ वास्तविक प्रतिबिंब अगर अवतल दर्पण में बनता है तो इधर बनता है, इधर बनेगा तो निगेटिव, काल्पनिक तो पीछे बनता है तो पीछे बनेगा तो क्या? पॉजिटिव। उत्तल दर्पण में खाली काल्पनिक ना बनता है, तो खाली काल्पनिक बनेगा तो इधर बनेगा, इधर बनेगा तो पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। आप फोकस दूरी बताए, इसका फोकस तो इस साइड रहता है ना, हो बोले मैं नहीं करेगा, अभी तुरंत बताएं, इसका फोकस इस साइड है तो इस साइड होगा तो क्या होगा? निगेटिव। निगेटिव ना, आ इसका फोकस इस साइड रहता है, इधर रहता है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। नहीं समझ में आता, एक बार और इसमें देखो, यू का मान हमेशा निगेटिव होगा, सोचना ही नहीं है। आप फोकस दूरी अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का फोकस इधर तो निगेटिव, उत्तल दर्पण का फोकस इधर होता तो पॉजिटिव। प्रतिबिंब दूरी अगर वास्तविक होगा तो निगेटिव, काल्पनिक होगा तो पॉजिटिव, बोलो हाँ। ये देख लो इधर, इसमें प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है और इधर बनता है तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, यू तो निगेटिव होवे करता है, इसकी फोकस दूरी इस साइड होती है तो इस साइड होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, बोलो हाँ। तो हमने आपको क्या क्या समझाया है? मेरी जाने मोहब्बत, मेरी जाने वफा। हमने आपको कहा कि अगर ये अवतल दर्पण है जो धसा हुआ होता है, उत्तल दर्पण जो उभरा हुआ होता है, इसको बताओ नतोदार कहते हैं कि उन्नतोदार कहते हैं? इसको नतोदार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मेरी जान? इसको उन्नतोदार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उन्नतोदार कहते हैं। नतोदार इसलिए क्योंकि ये धसा हुआ है, उन्नतोदार इसलिए क्योंकि ये उभरा हुआ है। एफ बराबर क्या हो जाएगा? r/2। एफ बराबर क्या हो जाएगा? r/2 होगा। देख लो इसका फोकस इधर है तो निगेटिव,
इसका फोकस इधर है तो क्या पॉजिटिव, ई कन्वर्जिंग है क्योंकि सभी किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, ई डाइवर्जिंग है क्योंकि सभी किरणों को क्या करता है फैला देता है। अब प्रधान अक्ष से गुजरने वाली रेखा जिस बिंदु पर काटती है दर्पण को उसे क्या कहते हैं पोल, और जहां पर सभी किरणें आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं फोकस। आई कर्व का जो सेंटर होगा उसे क्या कहते हैं सी। आई एफ बराबर हो जाएगा आर बाय टू। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।